Assalamu alaikum. Welcome to back Ali Bird, another vlog. I hope आप सब खरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का फ्रेश सारा प्यारा सारा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का दिन है सैटरडे और आज मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ मैं आपको भी बताऊँगा, और जो जो मेरे ब्लॉग्स देखता है आई थिंक वो कुछ कर सके। ठीक है, देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी मुश्किलें आई हुई हैं कि जो फ्लड आया हुआ है, ठीक है, बलोचिस्तान में आया हुआ है, सवात में आया हुआ है, ठीक है, और जो ये बहुत ही अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं तकरीबन मुझे कल से चला है तो पता, ठीक है, कि ये मसला सारा चल रहा है पाकिस्तान में, और इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत बुरे हैं, ठीक है, अच्छे नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के कुछ कर सकें, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है, हम कुछ कर सकें, ठीक है, कि उनके जो हैं लाइक कैंप्स, खाने पीने का सामान उनको कुछ मिल सके, जिन बेचारों के घर सारे टूट गए हुए हैं। ठीक है, तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो यार वो कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, मैं खुद तो कर रहा हूँ, ठीक है, मगर मैं बताना अच्छा नहीं समझता कि मैं कितनी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने करना है अल्लाह के नाम पे, ठीक है, कि हम किसी की मदद कर सकें। तो क्यों, वक्त का कुछ नहीं होता पता कि ये टाइम हम पे भी आ सकता है, ठीक है, और इस टाइम हमारा जो मुल्क है बहुत गलत रास्ते में है, हमारी गवर्नमेंट की वजह से जो कुछ हो रहा है, मगर इस टॉपिक में मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो व्लॉग्स हैं कॉमेडी है, इंटरटेनमेंट है, ठीक है, बट आज मैं फील हर्ट था, दैट्स व्हाई आई टॉक टू यू। प्लीज़ ट्राई टू हेल्प, कि जो मुश्किल में है उनकी हेल्प हो सके, ठीक है, ये मेरा मैसेज है मेरी अपनी सारी ऑडियंस के लिए। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये बेटी जा रही है कल से, ये बोलान होटल जिसमें पानी अंदर आके आ चुका है। आज ना मेरा व्लॉगिंग करने को दिल ही नहीं था, जो सीरियस बात है, यू नो मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ, ठीक है, मैं न्यूज़ नहीं देखता, ठीक, क्यों, न्यूज़ मैंने तकरीबन 2-3 साल से छोड़ दी हुई है। मैं दुबई में था ना जब, मैं न्यूज़ एवरी डे था देखता, ठीक है, तो देन यू नो नाउ इफ़ यू सी द न्यूज़ यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, ओके, एंड यू ओपन योर फोन, यू नो नाउ इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यू नो इन योर फोन इन इज अ YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, everywhere you can get the notification now, okay? But now, if you watch the news, you know, you feel it's too disheartened and disappointed. Because our government is doing nothing. I don't want to blame anyone, okay? मैं किसी को भी blame नहीं करना चाहता, कौन है क्या नहीं कर रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आज हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, सबको एक बेंच में चलना पड़ेगा और चल के जो ये मसला है सो हल करें, कि जो बेचारे बेघर हो चुके हुए हैं, जिनके जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जिन ओके मैंने देखा कि यार एक आदमी था, उसके माँ बीवी बच्चे सब शहीद हो गए हैं, देखिए उस आदमी में क्या बीतरी होगी। तो मेरी सबसे अपील यही है कि प्लीज ट्राई करें, जो हो सके करें, ठीक है, और वन थिंग मोर उसको दें, ठीक है, जो आपकी इमानत बड़े प्यार तरीके से उन तक पहुंचा सके, अदरवाइज बहुत सारे यहां पे फ्रॉड हैं जो पैसे लेंगे और करेंगे कुछ भी नहीं, बस ये ट्राई तो करेंगे पैसे उन्हें दें, या कुछ चीजें आपके पास हैं घर में लाइक बच्चों के कपड़े हैं, ब्लैंकेट वगैरह, खाने की चीज़ें, जो कुछ भी हो सके आपने अगर देनी है प्लीज़ ट्राई करें उसे दें,
जो आपका हिस्सा अच्छे तरीके से वहां तक पहुंचा सके और उन्हें मिल सके। अजर अल्लाह की जात देने वाली है, ठीक है। हमें मिलके ये कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो मुल्क है अच्छा होगा, ठीक है। आज मेरा कोई भी फनी वीडियो या कोई व्लॉग्स बनाने को दिल नहीं था, मैं डिसहार्ट था बहुत ज़्यादा, तो सोचा कि आपके साथ ये अपनी जो फीलिंग्स है शेयर की जाए। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं ऐसे व्लॉग्स बना के पॉपुलर हूँ, नहीं, ठीक है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मैं डरता हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ, मेरा एक ही मकसद था कि ये चीज़ सबके पास जाए, पहुँचे, सब देखें और सबको फील हो कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। मैंने कल न्यूज़ में सुना है कि जो टेंट 4,000 रुपये के थे वो आजकल जो डीलर्स हैं वो 10 से 12,000 रुपये के सेल कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या और जिल्लत है कि यार एक मुश्किल टाइम में आप लोग ऐसा तो कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि ऐसा गलत काम मत करें। सब ने मरना है, मैंने खुद मरना है। अल्लाह को हम जा क्या हिसाब देंगे। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। यहाँ पे नहीं हमने रहना, ये पैसा हर चीज़ यहाँ पे रह जाएंगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प करें उन लोगों की जो इस टाइम बेघर है, जिनके पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। सिंध, बलोचिस्तान, सवात में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमें इस इम्तहान से निकाले और या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह हमारी गलतियाँ माफ़ कर दे। या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, मेरे अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, मेरे अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और अल्लाह हमें इंशाल्लाह माफ़ करेगा अगर हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो। अगर मेरे ये 2-4 मिनट्स के बोल किसी को भी अच्छे को लगे हों तो बराए मेहरबानी करके कुछ करें इन लोगों के लिए और ट्राई करें, पैसे हों जो चीज़ हो उन्हें दें जो आपकी इमानत बड़े अच्छे तरीके से उन तक पहुंचा सके। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ना ही मैं आज आपको बोलूँगा लाइक्स के लिए, ना ही बोलूँगा शेयर के लिए और ना ही बोलूँगा सब्सक्राइब के लिए। बस इस वीडियो को देख के अमल करें और प्लीज़ ट्राई करें कि हम कुछ कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।